हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कन्हैयालाल हत्याकांड में अजमेर शरीफ की दरगाह से 3 गिरफ्तार। उदयपुर में भी 2 लोग दबोचे गए। अजमेर उदयपुर में कन्हैयालाल की गला रेत कर की गई हत्या मामले में पुलिस ने उदयपुर और अजमेर से 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर में कन्हैयालाल की गला रेत कर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने उदयपुर और अजमेर से 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर से दबोचे गए 2 आरोपियों मोहसिन और आसिफ पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है, तो अजमेर में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने सिर तन से जुदा का नारा दिया था। पुलिस को शक है कि इसी से प्रेरित होकर आरोपियों ने कन्हैयालाल को मौत के घाट उतारा। उदयपुर रेंज के आईजी प्रफुल्ल कुमार ने मोहसिन और आसिफ की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वे साजिश और हत्याकांड की तैयारी में शामिल थे। इसी बीच NIA ने उदयपुर कोर्ट में आवेदन देकर मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद की कस्टडी की मांग की है। दोनों आरोपियों को गुरुवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इधर राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने नफरती भाषण के आरोप में एक मौलवी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इन लोगों ने पैगंबर के कथित अपमान का बदला लेने के लिए कथित तौर पर सिर कलम करने का आह्वान किया। सूत्रों ने बताया कि पुलिस को शक है कि 17 जून को अजमेर दरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार से किए गए नफरती भाषण से उकसावे में आकर 2 लोगों ने मंगलवार को उदयपुर में एक दर्जी की हत्या कर दी। सूत्रों ने बताया कि दर्जी की हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने वही नारे लगाए जो उस दिन नफरती भाषण के दौरान लगाए गए थे। एक और की तलाश। दरगाह थाने के SHO दलवीर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान मौलवी फकर जमाली, रियाज और ताजिम के रूप में हुई, जिन्हें बुधवार रात को पकड़ा गया। अजमेर के पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी गोवर चिश्ती फरार है और उसकी तलाश जारी है। SHO सिंह ने कहा कि अजमेर दरगाह के निजाग गेट से दिए गए नफरती भाषण के दौरान वे भी गोवर चिश्ती के साथ मौजूद थे। जागरूक टीवी के लिए अजमेर से खास रिपोर्ट।